Hey everyone, this is Manpreet Kaur and welcome back to my channel once again. So, आज ये जो कोटी हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही अच्छी इन्वेंट्री है इन बजट इन सेक्टर 125 सनी के मोहाली. सो बेसिकली 150 गज की प्रॉपर्टी रहेगी 3 BHK कंसेप्ट सनी क्लेव में. आस्किंग जो इसकी रहेगी वो रहेगी 75 लाख डिमांड एंड कोठी न्यूली बिल्ड है, रेडी टू मूव है, सिर्फ फाइनल टचिंग का थोड़ा बहुत काम है जो कि यह टाइम ऑफ पोजेशन आपको मिल जाएगा. फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हो फुली टाइल्ड कवर्ड आपको मिल जाएगी ब्राउन कंसेप्ट में और टफन ग्लास और एसएसटी रेलिंग के साथ आपको फ्रंट एलिवेशन डन मिलती है. अगर मैं बात करूँ सामने रोड की तो काफ़ी वाइड रोड हमें मिल रही है, एज यू सी काफ़ी वाइड रोड हमें मिल रही है, प्लस सारी आप ब्लॉक टाइल्स देख सकते हैं. अमेनिटीज़ की अगर बात करें तो अमेनिटीज़ भी नियर बाय है, कमर्शियल हो गया, मेन हाईवे से इसकी कनेक्टिविटी होगी, एक्सेस हो गया, वो सारे अपने जो है वो नज़दीक है. गुरुद्वारा साहब, मार्केट सब हमारे नज़दीक ही हैं. अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स के रेडियस में हमें सब कुछ मिल जाएगा. सो बैक टू द हाउस, कोठी के अंदर हम जा रहे हैं. फ्रंट गेट आप देख सकते हैं, फ्रंट गेट हमें मिल जाता है, अच्छा डिज़ाइनर गेट है जिसमें अभी थोड़ा सा काम पेंडिंग है मिरर का, जो कि आपको पूरा मिल जाएगा. एंट्री करते ही आ जाता है हमारा पॉर्च एरिया जो कि काफ़ी वाइड है, सारा ग्रेनाइट यूज़ किया गया है. बहुत अच्छी चीज़ इस कोठी की है कि हमें ड्यूल कार पार्किंग इस कोठी के अंदर मिल जाती है, मतलब दो गाड़ियाँ आपकी अंदर आ सकती हैं और एक गाड़ी आपकी आराम से बाहर आ सकती है. तो मेरे राइट साइड पे ये आ जाती है हमारी दूसरी कार पार्किंग की स्पेस, ये भी बहुत वाइड है. सो आपकी एक दो गाड़ियाँ आपकी आराम से अंदर आ सकती हैं, एक गेट आप यहाँ से निकाल सकते हैं. अगर आपको ये चीज़ गार्डनिंग में चाहिए तो वो भी हो जाएगा. अंडरग्राउंड टैंक हमें मिल रहा है, ऊपर टैंकी की स्पेस और अलग मिल जाएगी. स्टेयर केसेस के नीचे में स्टोरेज की स्पेस मिल रही है. अब चलते हैं घर के अंदर. फ्रंट में एंट्रेंस डोर, जाली वाला डोर हमें एज इट इज लगा हुआ मिल रहा है. हाइटेड ऑफ डोर्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं. एंट्री करते ही जो हमारा एंट्रेंस डोर है काफ़ी अच्छा ब्लॉक डिज़ाइन में हमें मिल रहा है, जिसमें पॉलिश का काम भी ऑलरेडी डन हो चुका है. कोठी प्रॉपर रेडी टू मूव है, सिर्फ कुछ फिनिशिंग का काम है जो कि पेंडिंग है, वो आपको मिल जाएगा. राइट साइड पे हमें आ जाता है हमारा ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया, जिसमें सामने की ओर आपको वाइड विंडो मिल रही है, जिसमें ग्रिलिंग का काम जो है वो डन मिल रहा है. 150 गज की प्रॉपर्टी रहेगी, 27x50 जो है इसकी डायमेंशन रहेगी. फ्रंट 27 रहेगा इसका, काफी वाइड फ्रंट है. वहीं मेरे सामने की ओर हमें टीवी पैनलिंग डन मिलती है, जिसमें आपको ड्रॉर्स भी डन मिल रहे हैं और ब्लॉक्स भी आपको लगे हुए मिल रहे हैं. फॉल सीलिंग हमें डन मिल रही है LED लाइट्स के साथ. दो रूम्स नीचे रहेंगे और एक रूम ऊपर रहेगा. लेफ्ट साइड में आ जाती है हमारी किचन. किचन में भी आप देख सकते हैं कि साइड्स में आपको बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग मिल रही है वुडन की. इसमें चाहे आप अपनी क्रॉकरी सजा सकते हैं या कोई शो पीसेस आपने रख के इसकी शो बढ़ानी आप वो कर सकते हैं. किचन में भी चॉइस ऑफ टाइलिंग और सनमाइका अच्छा यूज़ किया गया है, वाइट एंड ग्रे कलर का कंसेप्ट रखा गया है जो कि खिल के आ रहा है. अगर मैं बात करूँ टैप फिटिंग्स की तो वो भी आपको डन मिल रही है. जैगुआर की जो है वो आपकी टैप फिटिंग रहेगी. सामने की ओर हमें विंडो मिल रही है ताकि हमारी जो विजिबिलिटी है बाहर की ओर किचन से वो पूरी रहे.
ऑटोमेटिक क्लोजर्स रहेंगे। ये आ जाती है हमारी रेफ्रिजरेटर की स्पेस, काफ़ी वाइड स्पेस मिल रही है यहाँ पे भी हमें। सो आप अपना चाहे डबल डोर रेफ्रिजरेटर है वो भी आराम से प्लेस कर सकते हैं। अब चलते हैं रूम की तरफ। फर्स्ट रूम आ जाता है जी हमारा, एसीस के प्रोविजन ऑलरेडी डन है, किसी भी तरह से हमें बाद में तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी विट्रीफाइड फ्लोरिंग रहेगी, 2x4 की लाइट ब्राउन कंसेप्ट में यूज़ की गई है। रूम में भी आपको डाउन सीलिंग डालनी मिलती है LED लाइट्स के साथ, बस जो हमारा कपबोर्ड का सेक्शन है वो भी डन मिलेगा हमें फिल रूम। मिरर वर्क के साथ डन होगी कपबोर्ड हमारी, जो कि डोर वाइज रहेंगी। नीचे शो के लिए भी आपको जो सेगमेंट है वो मिलता है। ये आ गया अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं टाइलिंग बहुत अच्छी यूज की गई है, और जो फ्लोरिंग रहेगी वॉशरूम में वो एंटी स्किप रहेगी। सामने की ओर हमें हमारी ट्यूब पैनिंग डन मिल जाती है। साइजेस ऑफ रूम्स बहुत खुले हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे 15x14 के 15x13 के साइजेस हैं। बैक साइड पे भी हमें जाली वाला डोर लगा हुआ मिल रहा है, प्लस बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं जो वॉल है उस प्रॉपरली उस पर टाइलिंग का काम किया गया है, प्लस जो टैप फिटिंग्स हैं पीछे की ओर भी आपको डाली हो गई है। तो यहाँ पर अपनी जो वॉशिंग मशीन है वो प्लेस कर सकते हैं। सेम सिनेरियो आ जाता है हमारे सेकंड रूम का। इस रूम में हमें एक लॉन्ग विंडो मिल जाती है ग्रीनरी के साथ, सो दैट इस रूम में भी जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर रहे। लाइट्स कोई भी ऑन नहीं है बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज, फिर भी आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी वीडियो में आपको प्रॉपर दिख रही है। सो ये अच्छी चीज़ है कि नेचुरल लाइटिंग जो है वो अच्छी है इस घर में। सो सेम सिनेरियो, इसमें भी आपको जो वार्डरोब्स है वो हमें डन मिल रहे हैं टिल हाइटेड डोर वाइज, जैसे हमने पहले रूम में देखा था। प्लस जो किचन हमारा वॉशरूम है उसमें भी टैप फिटिंग्स इस वॉशरूम में डन हुई पड़ी हैं, प्लस जो टाइलिंग है वो भी यहाँ पे अलग यूज़ की गई है लाइट ब्राउन कंसेप्ट में। स्पेस ऑफ वॉशरूम भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। एंड लोकेशन बहुत अच्छी है, ओल्ड सनी के गेट से इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहेगी। रेजिडेंशियल एरिया है सारा, सारा कोठियाँ बनी हुई हैं, लोग रह रहे हैं। तो अब चल रहे हैं हम फर्स्ट फ्लोर की साइड। स्टेयर के सिस्टम भी आप देख सकते हैं ड्रेनेज यूज किया गया है। फर्स्ट फ्लोर पे भी हमें जो जाली वाला डोर है वो डन मिल रहा है। एंट्री करते ही जो सिटिंग एरिया ऊपर हमें मिल जाता है, यहाँ पे भी आप अपने कैंट के सोफास लगा सकते हैं। अगर एक फ्लोर आपने अपना रेंटल पे देना है तो वो भी आप आराम से देख सकते हैं, तो रेंटल वैल्यू भी आपको यहाँ पे अच्छी आ जाएगी। सेम हमें नीचे जैसे प्रॉपर तैयार किचन मिल रही थी, ऊपर भी हमें मिल रही है विद दिस डिजाइनिंग, वुडेड डिजाइनिंग। ये आ जाता है हमारा थर्ड रूम। इसमें भी आप देख सकते हैं सामने की ओर हमें विंडो मिल जाती है और नेचुरल लाइटिंग। कबर्ड्स का सेक्शन इसमें एक साइड पे दे दिया है वॉशिंग के साथ।
तीनों वॉशरूम में जो ट्रैक ऑफ टाइलिंग है वो अलग अलग यूज़ की गई है, सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि रिपीटेड नहीं आपको कुछ मिलेगा। एंटी बैग पिछली ओर हमें टेरेस मिल जाता है, टाइल्स पे भी आप देख सकते हैं सारी एंटीस्केट टाइल्स यूज की गई हैं, चेक शेप में लाइट ब्राउन एंड ब्राउन कंसेप्ट में जो है वो टाइलिंग यूज़ की गई है, प्लस जो स्टेयरकेसेस है ऊपर जाने के लिए वो बैक साइड से मिल जाती है एक्सेस। सो ऑल एंड ऑल अच्छी प्रॉपर्टी है, 150 गज है, इन बजट है, 75 लाख डिमांड है चीज़ की, 3 BHK, और लोकेशन बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा लोकेशन का अंदाज़ा दिया है, कोठियाँ बनी हुई हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, लोकेशन बहुत अच्छी है। सो आई होप आपको आज की प्रॉपर्टी अच्छी लगी होगी। फॉर फर्दर इंक्वायरी और डिटेल्स प्लीज इसी नंबर पर कॉल कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप स्पॉटिंग, स्टे सेफ, प्रेस ब्लेस।